रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड as produced by individual vectors acting together. ये सबसे simplest definition लिख सकते हैं. जो ऊपर वाले case में है आपके पास क्या क्या था, आपके पास फाइव था टू था, उसको अभी रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं. तो इसमें क्या किया, अब उसको समझो. मैं बोल रहा हूँ रिजल्टेंट, आपने क्या बोला, इन तीनों का रिजल्टेंट. आपने इन तीनों का रिजल्टेंट आपने एक ही लाइन में बोल दिया कि इन तीनों के रिजल्टेंट को हम एट लिख सकते हैं इस साइड में, एट न्यूटन. ठीक है, इन तीनों फोर्सेस को हटा करके आप क्या लिख सकते हो, बस यहाँ पे एट न्यूटन लिख के छोड़ सकते हो. ये हो सकता है. अब इस 8 न्यूटन को लिख के छोड़ दोगे तो अब पढ़ दो डेफिनेशन को. रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेक्टर्स एक्टिंग टुगेदर. मतलब जब ये इंडिविजुअल वेक्टर साथ में एक्ट कर रहे थे 5 5 और 2, वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते उन सबको हटा करके मैं क्या लग सकता हूँ सिर्फ वहां पे 8. दिस 8 इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ 5 एंड 2. एडिशन है उनका, क्योंकि एक अपोजिट साइड में, तो उस वजह से सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हो, बट इन जनरल आप ऐड कर रहे हो तीनों वेक्टर को. इन तीनों का जो वेक्टर एडिशन आ रहा है वो 8 आ रहा है, और 8 इनका सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो ये तीनों करने वाले थे. तो रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर को बोला जाएगा. ठीक है, याद रहेगी डेफिनेशन, समझ भी आ गई होगी वहीं से. चलो आगे लिखो, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा. देखो ये तो डेफिनेशन में, अभी इसको निकालेंगे कैसे. रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी. ठीक है, उनका वेक्टर सम कर दो तो आर जो है रिजल्टेंट किन्हीं भी दो वेक्टर का क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. That is given by the addition of two individual given vectors. उनको आप add कर दो तो आपको answer मिल जाएगा. अब यही है, अब हमने क्या लिखा था ऊपर कि vector addition ही सीखना है, कि आपको पता चल गया कि vector addition कैसे करते हैं, तो basically resultant निकालना आ जाएगा. यही सबसे important task, और इसी वजह से इस chapter सीख रहे हैं कि आप एक addition सीख रहे हो जो कि क्या है, नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन से डिफरेंट है, क्योंकि अभी आपने 5 और 2 को ऐड किया था, कितना मिला था, 8 मिला था. ठीक है, और उसमें वो 10 न्यूटन भी ऐड कर दिए जो 60 डिग्री का मिल रहा था, तो आपको पता ही नहीं क्या मिलने वाला है. तो ऐसा कुछ एडिशन सीख रहे हैं. तो अगर 3 का एडिशन हुआ तो कैसे करोगे, 1 5 और 7 को कैसे ऐड करते हो नॉर्मली, 1 में 5 ऐड करते हो 6 हो जाएगा, 6 में फिर 7 को ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है तो ए और बी को ऐड करके कुछ बोल दो एम वेक्टर, फिर एम को फिर सी में ऐड कर दो, तो कुछ ऐसे भी जो भी वेक्टर बनेंगे. तो आप पहले दो को ऐड करना सीख गए तो यू कैन ऐड मल्टीपल वेक्टर एट द सेम टाइम. ठीक है, अब इनको ऐड करने के लिए क्या है, हाउ टू ऐड टू गिवन वेक्टर्स. मतलब अब ऐड अगर रिजल्टेंट चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू ऐड, लिखो टू गिवन वेक्टर्स. और मैं गिवन वर्ड क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, गिवन मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन पता हो, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाओगे. मैंने बोला 5 में 10 ऐड करो, वेक्टर है दोनों, 5 न्यूटन फोर्स में 10 न्यूटन फोर्स ऐड करो,
आपका क्वेश्चन आएगा सर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है, सेम डायरेक्शन में लग रही है, एंटी पैरेलल है, तो आप ऐड कर पाओगे। तो वेक्टर्स के लिए पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए माइंड में कि आपको दोनों के गिवन नेचर पता हो, दोनों के मैग्नीट्यूड, इसी वजह से गिवन वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। लिखो, इनके लिए दो मेथड आपके पास ऐड करने के लिए। एक मेथड है ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा है पैरेललोग्राम, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। इन दोनों मेथड को सीख रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों कुछ नहीं है, सेम ही मेथड है। आप एक को सीखोगे, दूसरे की डेरिवेशन नहीं दूंगा मैं, आपको खुद ही समझ आएगा कुछ किया नहीं है, कान इधर से पकड़ के इधर से पकड़ लिया बस, ठीक है, पकड़ा बस कान ही है, यही आएगा आंसर दोनों। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे 8 न्यूटन निकाला था ना आपने, 8 न्यूटन मैग्नीट्यूड में भी रिप्रेजेंट कर रहा था और उसकी डायरेक्शन भी राइट बोली थी आपने, तो कंबाइंड इफेक्ट जो डायरेक्शन के साथ दे रहा है वो आपको कि किधर नेट फोर्स लगने वाली है। अगर फोर्स के टर्म में बोलूं, दो वेलोसिटी को ऐड करोगे तो पता चलेगा किधर नेट वेलोसिटी आएगी, ठीक है। चलो अब ऐड करना सीख रहे हैं। तो पहला है इस मेथड को हम कर रहे हैं, ट्रायंगल एडिशन वाले मेथड को, ठीक है। इसको सेकेंड को मैं बाद में करूंगा, तो पहले इससे चल रहे हैं कि ट्रायंगल एडिशन कैसे करते हैं। और ये याद रखना, आउटपुट ऑफ बोथ विल बी सेम। इनका जो आउटपुट है ना, यहाँ लिख लो कहीं पे, इनका जो आउटपुट है वो क्या होने वाला है, सेम है, ठीक है। इन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, बस दो मेथड है आपके पास। और हम कभी वो लगाएंगे कभी ये लगाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं आपके पास, ठीक, कि कौन सा मेथड प्रेफर करना है। पैरेलल शिफ्टिंग आपको पता है कि चेंज नहीं करती है, तो उससे भी हमको कुछ आइडिया लग जाएगा कि क्यों हम उस मेथड को लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझा दूंगा मैं लास्ट। ट्रायंगल एडिशन देखिए कैसे करते हैं। आपको अगर दो वेक्टर पता हो, ट्रायंगल एडिशन ऑफ वेक्टर में अगर आपको दो वेक्टर दे दूं मैं, एक वेक्टर सपोज इधर दे दिया मैंने, ये हो गया वेक्टर ए, यहां बना लेता हूं, थोड़ा सा नीचे बनाना, स्पेस दे करके बनाना, हाफ पेज का स्पेस ले लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना इसके अंदर। और दूसरा वेक्टर ले लो बी, ठीक है। और सुना, ये अभी तो यहां बनाया, बट ये कहीं भी हो सकता है वैसे इन जनरल, तो ये जो वेक्टर है तो कहीं भी हो सकता है। ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं पहले आपको क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन करो कि एक का जो टेल है वो दूसरे के हेड पे लाई करे। क्या करना है, सबसे पहले ये वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों फोर्स को ऐड करें, अगर ये दो फोर्स है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट टास्क विल बी कि आपको उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। देखो कुछ चेंज नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि मैं इसकी डायरेक्शन नहीं बदला, मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा हूँ। तो इसको क्या करो, एक वेक्टर को हेड पे दूसरे का टेल लग दो, ठीक है, ताकि ट्रायंगल बने। अभी क्या हो गया, दो वेक्टर हैं, जो इनका जो रिजल्टेंट है ट्रायंगल, ट्रायंगल मेथड से, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है दैट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये आने वाला है आर। ये आर जो है बेसिकली, ये अगर निकाल लो तो बेसिकली ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। बहुत ही सिंपल सा लो है, इसको समझने में मुझे पता नहीं कि स्टूडेंट इसको क्यों समझ नहीं पाते हैं। दो फोर्स को ऐड करना है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन के साथ गिवन है, दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो कि फर्स्ट का टेल सेकेंड वाले के हेड पे लाई करे। जो भी अब ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा आपको, जो भी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होगा
वो उनका क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब अगर इसका लेंथ पता चल जाए आपको, जो थर्ड साइड है ए का लेंथ पता है, ए वेक्टर पता है, तो मतलब ए का लेंथ पता है कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी वेक्टर पता है तो बी का लेंथ भी गिवन है, तो बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो बी की डायरेक्शन भी कुछ गिवन होनी चाहिए। ऐसे तो रेंडमली तो ऐड करेंगे, देखो ये होगा कि अगर आपने ये वेक्टर यहाँ लिया तो ये तो अलग अलग ऐसा होता रहेगा, देखो यहाँ पे लिया तो ये यहाँ अलग जगह आएगा, यहाँ पे लिया तो ये अलग जगह आएगा, यहाँ पे लो तो दोनों वेक्टर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ये देख लो, अभी आपने जो जम सम कर रहे थे ना, तो आप ऐसा कर रहे थे बस। अब ये तो देखो अलग अलग लेंथ जो है मतलब एंगल पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे आप बी का एंगल चेंज कर रहे हो वो थर्ड साइड की लेंथ चेंज हो रही है। अब बस देखते रहो, थर्ड साइड का लेंथ चेंज हो रहा है मतलब उनका रिजल्टेंट इफेक्ट चेंज हो रहा है। अब इन दोनों वेक्टर को ऐसे ऐड कर सकते हो पाइथागोरस से, क्योंकि आपको दोनों साइड पता है, तो 90 डिग्री पे तो आप थर्ड साइड भी निकाल सकते हो। आपको दिक्कत होगी जब ये कोई भी रेंडम एंगल पे ऐसे रखो, क्या समझ, दोबारा बताऊं, ये एंगल गिवन होगा आपको, क्योंकि अगर ए का ए अगर नोन है तो मतलब ए का डायरेक्शन पता है, तो अगर ए के साथ बी का एंगल दे दूं तो मतलब ए का पता था तो बी का भी पता चल गया। जैसे मैं बोलूं ए ईस्ट में है और बी उसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बी का भी डायरेक्शन पता चल गया, मतलब ईस्ट के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यही हो जाएगा। ए का अगर ऐसा वेक्टर दे दूं कि ए वेक्टर ईस्ट में है, ये हो गया ए वेक्टर, और बी उसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मतलब बी का भी पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट में है। इस तरीके से कुछ भी पता चल जाएगा आपको उसके बारे में। तो अगर एक मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर गिवन है, तो मतलब ए वेक्टर इज कम्प्लीटली नोन, उनके बीच एंगल पता चल जाए तो बी आ जाएगा, तो बी भी पता चल जाएगा। अब ए और बी के बीच ये एंगल है, अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर एंगल तो ये होना चाहिए ए और बी के बीच। पहला डाउट तो ये आएगा ना कि एंगल ये क्यों लिखा है, बाहर वाला क्यों लिखा, एंगल तो ये होना चाहिए, एंगल शुड बी दिस, वेक्टर के बीच का एंगल ऐसा होना चाहिए, आप बाहर वाला क्यों लिख रहे हो। हाँ, आप एक ही डायरेक्शन सोचो किधर है, एक ही डायरेक्शन तो इधर है, ये तो इधर है ना, ये तो पैरेलली शिफ्ट करके यहां आ सकता है। अब समझ आया ये एंगल क्यों है, क्योंकि ए को जब टर्न करोगे तो किधर टर्न होगा, वो बी की डायरेक्शन में टर्न करने के लिए ए को किधर जाना पड़ेगा, आप यहां पे जाओगे सर, अगर ए की डायरेक्शन इधर है तो इसको टर्न होने के लिए इस साइड जाना पड़ेगा, तो ये थीटा एंगल बनाएगा बी के साथ, इस वजह से कह रहा हूं, समझा। तो ए के बी, बी के बीच एंगल मतलब उनकी डायरेक्शन, जो ए का एरो है उसकी तरफ एक लाइन खींचो, जो ए का एरो है ना उसकी तरफ एक लाइन खींचनी है, और जो बी का एरो है उसकी तरफ एक लाइन खींचनी है, इनके बीच जो शॉर्टेस्ट एंगल होता है उसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलते हैं। अलग से पढ़ाऊंगा मैं, अभी टॉपिक आएगा, अभी मैं जो साइड करना बता रहा हूँ इस केस में ये एंगल है। एक टॉपिक आएगा हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो उसमें अलग अलग केसेस बना के दिखाऊंगा, 5-7 क्वेश्चन करोगे तभी नहीं भूलोगे उसको कि कैसे निकालो, छोटे वाला लेना होता है क्योंकि एंगल तो दो भी हो सकते हैं ना, कि ये दोनों डायरेक्शन आई इस केस में, एक ये आया एंगल तो ये भी है सर और ये भी है, तो कौन सा लें, छोटे वाला होता है, देखेंगे वो। चलो अभी ये एंगल है वेक्टर, ये समझ आया ना क्यों है, क्योंकि ए का डायरेक्शन तो इस साइड है और बी का डायरेक्शन उस साइड है, तो ए और बी के डायरेक्शन के बीच यही एंगल है, तो यही लेना आपको अभी तो। अब हमें थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है, थर्ड साइड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई मेथड नहीं है अभी तो फिलहाल, इस केस में यहाँ पे जो दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं। आपको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चल गई तो क्या पता चल गया, आर का मैग्नीट्यूड आ गया, और अगर ये अल्फा भी पता चल जाए तो आर की डायरेक्शन भी आ जाएगी, क्योंकि ए वेक्टर गिवन है, तो ए के साथ निकाल लें अगर मैं आर का एंगल, तो मुझे आर का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा कि नेट फोर्स जो होगी मेरी ए वेक्टर के साथ इतना एंगल बना रही होगी। मैं ऐसा लिख दूंगा, मुझे कोई रेफरेंस नहीं पता है, तो मेरे को अगर ए वेक्टर नोन है
आई विल टेल द डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि मैं बोल दूं कि अगर जैसे ए ए ऊपर लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है या ऊपर वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है और मेरा रिजल्टेंट इधर आया 30 डिग्री पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आर वर्टिकल से 30 डिग्री पे टिल्टेड है, ऐसा भी बोल सकता हूं। तो आपको ये दोनों वेक्टर, मतलब आपके पास अननोन क्या है, एक तो ये लेंथ नहीं पता है और एक ये एंगल नहीं पता है, ये दोनों अगर पता चल जाए तो आपका वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। करने के लिए क्या करो, इसको यहां लिख देता हूं बस, आप पाइथागोरस के थ्रू जाओ क्योंकि पाइथागोरस आपका सबसे बेस्ट पार्टनर है। एक ट्रायंगल यहां पे बना दो, नीचे एक वर्टिकल ड्रॉ कर दो, कहां से, बी के हेड से नीचे ए की लाइन पे। आप ये सोचो, ये सपोज ये जो लेंथ है इसको कुछ बोल दो वाई और इसको कुछ बोल दो एक्स, बोल सकते हो ये लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, बी पता है। तो यहां साइड में देखते रहना, अब ये जो छोटे वाला जो ट्रायंगल बना, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर देखना क्या हो, क्या लिख रहा हूं, इसको कुछ नाम दूं क्या मैं, या लिख दो इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप अगर ऐसा लिखूं एक्स बाय बी को क्या लिख सकते हो, एक्स बाय बी, एक्स बाय मतलब मोड बी लिख रहा हूं, कॉस थीटा लिख सकते हो, तो एक्स आ जाएगा बी कॉस थीटा, बी के ऊपर वेक्टर नहीं लगा तो मतलब मोड है वो, बी कॉस थीटा आ गया। इसी तरह वाई क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा बी साइन थीटा। तो आपको ये दोनों चीजें पता चल गई। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बस जो ये वाला ट्रायंगल है इसमें सोचो, इसमें तीनों साइड पता चल गई क्योंकि दो, ये वाली पता है, ये वाली पता है, तो थर्ड भी आ जाएगी, क्या चाहिए था, थर्ड साइड ही चाहिए थी। आपने कुछ नहीं किया, छोटा सा ट्रिक लगाया, इसको याद रटना नहीं होता, कुछ कभी नहीं याद रटना नहीं होता। क्या करना है, बी के कंपोनेंट ले लो, बी का नीचे कितना आएगा बी कॉस थीटा, उस साइड कितना आएगा देन बी साइन थीटा, ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बी कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर, कितना बी बचेगा, पाइथागोरस से वही तो आता है बी, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो ये जो लेंथ आई आपके पास, आपको इस डायग्राम के थ्रू पता चला कि ये जो लेंथ है, दिस कम्स आउट टू बी बी कॉस थीटा एंड दिस कम्स आउट टू बी बी साइन थीटा, और ये है आपके पास, ये लेंथ कितना है ए। तो अगर आर का मैग्नीट्यूड लिखो पाइथागोरस से तो क्या लिखोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आप लिख सकते हो कि आर का जो स्क्वायर है, आर के मोड का, आर की लेंथ का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मतलब आर का मोड कितना आ गया, रूट ऑफ, ओपन कर दो इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है, इसमें से दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों को, इन दोनों में से कुछ कुछ कॉमन लेना आपको, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही आंसर आपका। बस इसमें क्या मुश्किल होता है, इसमें कोई कोई चीज मुश्किल नहीं है, दो वेक्टर को ऐड करना है, ये थीटा का फंक्शन आ रहा है और आना भी चाहिए था, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में थीटा का फंक्शन, थीटा के साथ वेरी कर रहे थे तो वो लेंथ चेंज हो रहा था। देख लो कहां से लिखना, पहले ऊपर वाला अच्छे से लिख लो फिर मैं नीचे कर दूंगा।
इस केस को ले लीजिए, इसमें बस अजम्पशन अजम्पशन ऐड करने हैं आपको, वो अगर मैं ऐसा लिखवाने लगूं तो फिर वो जाएगा, लेटेस्ट अज्यूम भी लिखवा रहे हैं और ये सब, उसमें कुछ लिखवाना नहीं होता। जब बोर्ड में आपको जब पता है कि आप 10th में बोर्ड कैसे लिखते हो, जो रिप्रेजेंटेशन है स्कूल में एग्जाम में, बस वही करना होता और कुछ डिफरेंस नहीं रहता। इसी के आगे लिख देना कि लेटेस्ट अज्यूम अ ट्रायंगल ए बी सी हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन द थर्ड साइड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यही स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट लिखो, पहले ये कर लिया कंप्लीट, नीचे का डेरिवेशन किया, कंप्लीट कर लो डेरिवेशन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके केसेस करेंगे यहीं पे, इसी को एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर है क्या क्या। जो वो 8 आ रहा था इनिशियली, 8 न्यूटन, 10, 5, 5, वो इसके अंदर कंटेंड है ऑलरेडी। कैसे? आप एंगल को 0 पुट करो, कोस 0 1, क्या बन जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दो अगर सेम एंगल हुआ, एंगल 0 हुआ, दोनों वेक्टर पैरेलल हुए तो सम बन जाएगा, फिर रिजल्टेंट क्या होगा, सम ऑफ टू वेक्टर कौन से। कोस को उल्टा लिया तो कोस 180 हुआ तो माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा रिजल्टेंट ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, कब, जब उनके डायरेक्शन अपोजिट हो। वो तो आपको पहले से ही पता थे, बताने से पहले वो इसके अंदर सब जूम, जितने आप केसेस सोच सकते हो वो सब इसके अंदर कंटेंट है। पाइथागोरस में क्या बोला था आपने, जब परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो डायरेक्टली ऐड कर देते हो या स्क्वायर करके ऐड करते हो, परपेंडिकुलर ट्रायंगल होता तो कैसे करते थर्ड साइड 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल होता तो आप क्या करते हैं पाइथागोरस लगाते, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर आना चाहिए था, वो इससे भी आ रहे हैं यहाँ पे, लिख लिया इतना। चलो डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, डायरेक्शन के लिए क्या निकालना आपको, या टेन अल्फा, कोई भी अल्फा निकाल लो आप, टेंजेंट अगर अल्फा निकाल लो मैं तो डायरेक्शन भी आ जाएगी। ये आ गया, यहाँ पे लिख लो इसके साइड में, ये क्या है, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसके साइड में लिख लो, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए जाते हैं, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर के लिए अगर वो अल्फा पता चल जाए तो एटलीस्ट ए वेक्टर के साथ तो डायरेक्शन पता चल ही जाएगी, ठीक है। तो आप लिखिए डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इसके लिए आप टेन अल्फा निकाल लो, टेन अल्फा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, उस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर क्या है, उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लेंथ तो हो जाएगी ये और बेस हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो टेन अल्फा के लिए क्या लिखोगे, इट शुड बी बी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं है, परपेंडिकुलर साइड आएगी, इट शुड बी बी साइन थीटा और डिवाइड बाय में ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका एंगल। एंगल कैसे आएगा, यहां से क्या निकालोगे, अल्फा को क्या लिख दोगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ठीक है, यहां से क्या करोगे फाइंड अल्फा, ये अगर पता चल जाएगा आपको तो इससे क्या फाइंड कर लो अल्फा, क्योंकि ये पूरी देखो बी पता है, पता है थीटा, पता है, पता है ए, पता है यू नो, ठीक है। तो ऑल दिस क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड आर नोन, तो टेंजेंट अल्फा का वैल्यू कैलकुलेटर से तो पता चल जाएगा, अलाउड नहीं है, बट आप उसको टेंजेंट इनवर्स में छोड़ देना। जैसे सपोज आपका ये वैल्यू जो है, आपका ऐसा वैल्यू आ गया जो आपको पता नहीं है कि टेंजेंट अल्फा सर 4 आ गया, आपको तो पता नहीं है, तो आप अल्फा को लिख दो कि टेंजेंट इनवर्स 4 होता है, जो भी होगा वो अपना समझेगा, ये कैलकुलेटर कैलकुलेटर तो बता देगा ना इस वैल्यू को, आप कैलकुलेटर नहीं हो तो आप नहीं बता पा रहे हो, बस ऐसा थोड़ी ना कि आपने नहीं निकाला आंसर, ठीक है। तो डायरेक्शन आ जाएगी, तो आप आपका अगर इस तरीके से आंसर आ जाता है जिसका वैल्यू नहीं पता, तो आप किस तरीके से उसको छोड़ दोगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4, अगर आपको आंसर वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे केसेस में ऐसे आंसर आए, ठीक है, क्या पता कुछ में डायरेक्शन बस टेंजेंट अल्फा ही पूछा हो डायरेक्टली,
टेंजेंट अल्फा का वैल्यू बताओ, ऑप्शन चार ऑप्शन दिए, टेंजेंट अल्फा ही पूछा, साइन अल्फा पूछ ले क्या पता, तो टेंजेंट अल्फा से साइन निकाल लेगा, वहां से भी निकल जाएगा, बट टेंजेंट अल्फा तो ये फॉर्मूला तो याद रखना है इसको एकदम, ये दोनों रटे होने चाहिए मतलब टिप्स पे, ये जो है ये दोनों के दोनों फॉर्मूला एकदम मतलब स्टार लगा लो यहाँ पे, रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, कोई ऐसा मतलब रात में भी पूछे लात मार के तो बता दो कि हाँ भाई बी साइन थीटा ऊपर आएगा और ए प्लस बी कोस थीटा नीचे आएगा, तब टेंजेंट अल्फा निकलेगा। और अल्फा क्या है ये भी ध्यान रखना, अल्फा क्या है ए, देखो जो ऊपर है ना ये वेक्टर, इसके साथ एंगल नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड ऊपर लिखा है उसके साथ एंगल नहीं है, ये किसके साथ है, जो नीचे के साथ है, ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड लिखा है उसके साथ ही एंगल बनाने का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है उस डायग्राम के हिसाब से ये है अल्फा इज, यहां लिख लो एंगल विद ए, एंगल विद ए वेक्टर, हाँ डायग्राम में दिया हुआ वैसे तो दिख रहा है वहां पे वो, बट यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि एंगल ए के साथ बना रहा है ये चीज, सिंपल था। अब स्टेटमेंट लिख लो कि व्हाट वुड बी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंगल अगर स्कूल में आ जाए, इसी चीज को अंग्रेजी में लिखना कुछ नहीं है, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मैंने ट्रायंगल मेथड लिखा है ना वहां पे, कुछ जगह ये ट्रायंगल लॉ भी लिखा रहता है ऐसा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोई ऐसा है डेफिनेशन बुक्स में मिल जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट कर रही है वैसा मान लो, जैसे इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, two adjacent sides of a triangle which are taken in same order, same order मतलब पता क्या, जहां पे पहले का head खत्म हो रहा है दूसरे का tail वहां से शुरू हो रहा है उसको same order बोलना है, which are taken in same order, bracket में लिख लेना इसको, which are taken in same order, इसको ब्रैकेट में कर लेना, मतलब आप साइड में ये भी बता रहे हो कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स बट दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर, व्हिच आर टेकन इन सेम ऑर्डर ब्रैकेट क्लोज, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल taken in opposite order, then the third side of the triangle taken in opposite order, लिख सकते हो कोई ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे, taken in opposite order will completely represent will completely result represent the resultant resultant both in magnitude and direction, कोमा करके लिखना, both in magnitude and direction, मतलब वो जो है resultant जो taken in same order जो third side आई है ना वो उसका length क्या बता रहा है magnitude और उसकी direction क्या बता रही है alpha निकाल दे रहे हो जिससे वो direction भी contained है, मतलब आपका resultant vector जो है completely यही vector आपका resultant vector हो जाएगा, ये जो vector है मतलब ये जो चीज है यही उसकी नेट की डायरेक्शन है और यही उसका मैग्नीट्यूड।
इसमें लग जाएगा ना, पहले दो को ऐड करो फिर तीसरे उनका। हाँ चल जाएगा, कोई नहीं, किसी भी प्लेन में हो वेक्टर। अब इसके बाद देखो रिजल्टेंट की ये बताओ कि ये जो रिजल्टेंट आया है ये किसी प्लेन में आया है या प्लेन के बाहर आया है, क्योंकि ट्रेंगल बनाना है आपको तो सेम प्लेन में ही आना चाहिए। आपने दो दो साइड ली, आप दो साइड ले रहे हो ठीक है, तो दो साइड लिए तो थर्ड साइड ट्रेंगल बनाना है, तो ट्रेंगल तो ऐसा कोई थ्री डी ज्योमेट्री तो होता नहीं, ट्रेंगल ट्रेंगल तो एक प्लेनर ज्योमेट्री है, एक ही प्लेन में बनता है, कॉपी के प्लेन में जैसे बन गया। तो ए प्लस बी और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, सम ऑफ टू वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर। देखो दो वेक्टर तो को प्लेनर होंगे ही, तो ए और बी का जो प्लेन होगा ए बी भी उसी में लाई करेगा, ए प्लस बी जो है सम। ठीक है अभी लिखते हैं इसको, आगे लिखो इसके नीचे और ये समझ आया था इनिशियली जो मैं बोला था कि इनको ये कहीं पे भी दिए हो सकते हैं, पहले क्या करना है इसकी शिफ्टिंग करके इधर करना है इसको, ऐसा ऐड करने के लिए पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा बना बना बनाया ये ट्रायंगल देगा। तो वो स्टेटमेंट था इसका जो अभी हमने लिखा है। ठीक है केसेस करते हैं इसके लिए, नीचे लिखो डिफरेंट केसेस। Different cases. Case one लिखो। Case one हम बोल रहे हैं कि अगर theta zero degree हुआ तब क्या होगा। Theta zero degree हुआ तो cos theta क्या होगा, वन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओनली, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए प्लस ए का मोड और बी का मोड, वेक्टर नहीं लगा तो मतलब मोड। ठीक है इसका मतलब ये है, यहां देख लो केस में ही समझा रहा हूं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, सेम ही डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अल्फा भी क्या आएगा, अब अल्फा भी जीरो आने वाला है, क्योंकि अल्फा ए के साथ तो कोई एंगल बनाएगा ही नहीं। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, बेसिकली आप इसको कहां रखोगे, इसके आगे। तो ट्रायंगल का थर्ड साइड क्या बनेगा, ए प्लस बी ही बन जाएगा। ठीक है तो रिजल्टेंट जो है आर जो है क्या होगा, जस्ट सम ऑफ टू मैग्नीट्यूड। बार बार सोचोगे नहीं आप, बस ये याद रखोगे कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के सम को डायरेक्टली ऐड कर दो, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। वो एक के भी डायरेक्शन बोल सकते हो, उसका बी का भी बोल सकते हो। ये आपने वहां किया था, फाइव प्लस फाइव क्या किया था, टेन जो किया था स्टार्टिंग में, उसमें आपने सोचा समझा नहीं था। अब मैं वो आपको बस समझा रहा हूँ, अलग से कि आपने जो प्रोसेस किया था वो इसका पार्ट था, एक सब केस था। सेकेंड लिखो केस टू। केस टू में अगर थीटा क्या हो गया, आपका 90 डिग्री अगर हो गया, तो थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, तो कोस थीटा विल बी जीरो। और कोस थीटा अगर जीरो हो गया तो आर मैग्नीट्यूड कितना आएगा अब आपका, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली। तो मतलब किस तरीके का केस चल रहा है, ये आपका केस इस तरीके का चल रहा है कि ए वेक्टर इस साइड है और बी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है तो ये आर वेक्टर जो है डायरेक्टली किससे निकाल सकते हो आप, पाइथागोरस से। तो ये ए है और ये बी है, तो आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, छोटा सा बना लेना रेक्टेंगल ताकि समझ रहे हैं कि साथ में चल क्या रहा है, कि बी ए टू ए बी कॉस थीटा क्यों नहीं आया टर्म, क्योंकि डायरेक्ट पाइथागोरस निकाल रहे हो। अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका थर्ड साइड निकालना, बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालने के इक्विवेलेंट। थर्ड देखो, केस थ्री, केस थ्री में क्या होगा, अगर थीटा जो है 180 डिग्री हुआ, ठीक है, ये पाई में भी ले सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि थीटा पाई भी बोल सकते हैं। थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा माइनस वन होगा, तो आपका आर मैग्नीट्यूड कितना आएगा। अब अगर आप आर मैग्नीट्यूड की निकालने की सोचोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, मतलब इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो जो अब आपको सिर्फ लेंथ मिलेगी वो ए माइनस बी की मिल जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड ए माइनस मैग्नीट्यूड बी, ये मिल जाएगा आपको लेंथ। मैग्नीट्यूड लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, ए का लेंथ माइनस बी का लेंथ। इसको अगर डायग्राम पे समझोगे कि सर ये हुआ क्या, आपका बेसिकली ए वेक्टर तो उस साइड है, बी वेक्टर उसके अपोजिट साइड है, तो अगर दोनों को सेम ऑर्डर में लेना है तो मतलब बी का टेल कहाँ आना चाहिए, ए के हेड पे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं यहां पे देखो बस, तो जो बी का जो सिचुएशन है वो ऐसा आना चाहिए, यहां आना चाहिए, ऐसा रखा जाना चाहिए, तो कितना लेंथ बचेगा आर के लिए, कौन सा लेंथ बचेगा, बस आर तो क्या है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये क्या आ जाएगा आपका आर वेक्टर, लेंथ वाइज क्या आएगा ए माइनस बी डायरेक्टली, ऐसा भी कर सकते हो। तो आर का जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहीं से दिख रहा है कि इट वुड बी लेंथ ऑफ ए माइनस लेंथ ऑफ बी, क्योंकि थर्ड साइड तभी बनेगा। इन जनरल अगर ट्रेंगल में देखना चाहते हो कैसे वेरी करेगा ये, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेता है, राइट एंगल ट्रेंगल अब बन गया। इसको देखो, इस ट्रेंगल में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या सिचुएशन हो रही है यहाँ पर। जैसे यहां लो पैरेलल वाला केस, तो ये है जो सबसे आगे ऐसा सिचुएशन होगा यहाँ पे कि ए और बी, देखो ये बी वाला है, ये वाला लेंथ एक ए लेंथ है जो आप नॉर्मल समझ रहे हो, तो ए और बी अगर पैरेलल हुए तो आर क्या हो जाएगा, उनका सम ए प्लस बी। अब देखो जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ेगा तो आर क्या हो रहा है, इनिशियली कम हो रहा है, कम होता जा रहा है, 90 डिग्री पे गए तो और कम हो गया, 90 से बढ़ा गए तो और कम हो गया, छोटा होता जा रहा है। अभी भी सबसे छोटा कितना हो सकता है, ए माइनस बी, रिजल्टेंट सबसे छोटा कितना हो सकता है, ए माइनस बी, और सबसे बड़ा कितना हो सकता था, ए प्लस बी। तो रेंज ऑफ अगर रिजल्टेंट पूछूं कि रिजल्टेंट हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, अगर आपको कोई ना बताए जैसे 5 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स को ऐड करूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या मिल सकती है, 15, और सबसे छोटी 5 न्यूटन, लेंथ वाइज वो 5 न्यूटन ही मिलेगी, और उसके बीच में वो कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन थीटा। देखो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, कंटिन्यूअस है, तो उसके बीच वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। थर्ड लेंथ को देखते रहना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे वो एकदम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे वो हो क्या क्या हो गया, क्या हो गया उसके साथ, ए माइनस बी का लेंथ हो गया। तो इस तरीके से वो वेरी करता है। अब ये बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि कहीं डायग्राम बनाने पड़ते हैं, इसमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ा, रोटेट करके घुमाते दिखा सकते हैं इसके अंदर। तो आप लिखोगे रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रेंज मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रेंज की बात कर रहा हूं। तो आर जो है
किसके बीच में लाई करेगा? आर मैक्स से आर मिनिमम तक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या क्या वैल्यू होंगे अगर आप बताओगे तो? तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि आपको मैं दिखा चुका हूं उसमें डायग्राम में, तो मैं अब डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इट वुड बी मोड ए प्लस मोड बी, और मिनिमम कितना होगा? मोड ए माइनस मोड बी, ठीक है। क्वेश्चन पता है इस तरीके से आएंगे, ऐसे बोल देंगे कि दो दो फोर्सेस को ऐड किया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, कैन नॉट गिव द रिजल्टेंट। तो जो इस रेंज के बाहर की वैल्यू, जैसे 16 और 4 को ऐड किया और मैं बोलूं रिजल्टेंट 22 आ रहा है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। 16 और 4 को ऐड करके मैक्सिमम यू कैन गेट 22 और मिनिमम यू कैन गेट 12। ट्वेंटी होगा तो 22 नहीं आएगा, ये कह रहा हूँ। अगर 22 ऑप्शन दिया जाए तो आपको 22 पे टिक नहीं करना है। अगर यही पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो इस रेंज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आता है करने के लिए, इंपॉर्टेंट है ये रेंज वाला कॉन्सेप्ट। आने तो क्या दिक्कत है, मतलब अपोजिट बी की डायरेक्शन लेगा फिर वो, यही होगा ना। बी बड़ा है तो मतलब यहां देख लो, इसी डायग्राम में देख लो, अगर मैं बोलूं कि ये बी वेक्टर बड़ा है, फिर से क्या होगा? स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया, अभी आएगा। ये देखो, इसके अंदर मैं अगर ये बोलूं, अगर बी वेक्टर का लेंथ बड़ा होता तो आप इस वेक्टर को कैसा बनाते? ए वेक्टर तो बनता छोटा और बी वेक्टर बनता इधर, तो ए माइनस बी अभी भी करना है। तो ए माइनस बी के लिए मैंने क्या बोला, ए प्लस बी करना है अभी भी। A प्लस बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाई थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो ये तो हो गया सेम ऑर्डर, एक का हेड दूसरे का टेल, तो थर्ड साइड क्या होगी? A के टेल से B के हेड तक, यही होगी। तो वही अगर मैं थर्ड साइड बनाने की कोशिश करूं इसके ऊपर, तो मेरी थर्ड साइड कुछ ऐसी बनेगी, ये क्या होगा मेरा R वेक्टर, दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ऐसा दिखेगा मुझे आर वेक्टर। तो अब किसकी डायरेक्शन ले रहा है वो? बी की, माइनस समी कर रहे हो, माइनस करूंगा तो फिर एक आएगा माइनस पे आएगा, माइनस में तो एक ही डायरेक्शन में तो उल्टी होगी, फिर तो ऐड हो जाएंगे। अभी क्या लग रहा है आपको, इन दोनों का सम करूंगा, देखो सम कर रहे हो तो डिफरेंट, जैसे मैंने आपको 5 5 8 का एग्जांपल दिया था, 5 5 2 का, जब आपने तीनों का सम किया था तो आपने नेगेटिव 2 अपने आप ले आए थे आप, मैंने आपको बताया नहीं था कि एक साइड फोर्स 10 है, दूसरी साइड से 2 लग रही है, दोनों का सम करना है, नेट कितना लग रहा है, आप 8 बोले थे, तो वही अभी भी कर रहे हो। एक साइड फोर्स है 2 न्यूटन की, एक साइड है 10 न्यूटन की, तो अगर सम करोगे तो कितना आएगा? या तो आप उसको -8 बोल दो, क्योंकि एक डायरेक्शन को तो पॉजिटिव लोगे, एक को क्या लेना पड़ेगा फिर नेगेटिव, वो माइंड में ही ले सकते हो, या फिर लेफ्ट राइट लो, क्योंकि 2 यूनिट लेफ्ट है और 8 यूनिट इसी के अंदर। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये होगी राइट और ये हो गई लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या बोलोगे? अगर ये 2 न्यूटन का फोर्स है और ये 8 न्यूटन का फोर्स है, तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 6 न्यूटन बचेगा लेफ्ट के अंदर, वैसा बोल दो। कर तो क्या रहे हो, एडिशन ही हो रहा है, वो आपको लग रहा है कि डिफरेंस हुआ है, बट इन टोटल यू आर एडिंग द 2 वेक्टर। इफ, और मैंने ऊपर समझाया था ये वाला, कि अगर दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई, तो रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ लिख लो, अगर लिखना है थर्ड केस के साइड में लिख लो, यहाँ पे फॉर अपोजिट वेक्टर, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर, ये लिख लो, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर
आर मैग्नीट्यूड इज डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ टू ठीक है। आर जो आएगा एंटी पैरेलल के लिए ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस बन जाएगा, ये वैसे केस है वो 5 5 और 2 वाला, कि 5 5 को ऐड किया था 2 को माइनस किया था, मैं तीनों को ऐड करने को ही बोला था आपको, पर रिजल्ट वहां साइड में लिख सकते हो कि अगर पैरेलल है डायरेक्टली ऐड कर दो, एंटी पैरेलल है तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, बट सब्ट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्शन किसकी लेगा, जो बड़े वाला था ठीक है। जैसे इस केस में बड़े वाला कौन है, बी वेक्टर का लेंथ बड़ा है, तो आर का वेक्टर आपको दिख ही रहा है कि लेंथ किस साइड आ रहा है, बी की साइड आ रहा है, उस केस में ए की डायरेक्शन वो ले रहा है। एक क्वेश्चन लिखो आप, मैं फोर्स देता हूं आपको, एक कार्टेशियन प्लेन बनाओ, एक फोर्स इधर दे दिया 10 न्यूटन का और एक फोर्स इधर दे दिया 8 न्यूटन का और इनके बीच है एंगल 60 डिग्री। आपको इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करना, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ, फाइंड द आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से इसको फाइंड करना, क्या करने के लिए सोचोगे, पहले हेड से टेल ज्वाइन करोगे ठीक है। तो आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करोगे, ये जो है यहाँ पे एक पैरेलल शिफ्टिंग करके एक वेक्टर ले आओ ठीक है, ये वही वेक्टर है ठीक है। कभी आप सोचो कि अब दो कैसे आ गए, ये मैं बस इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हूं ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप एक डायग्राम नीचे बनाओगे जिसके आप इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, इस वेक्टर को वहां शिफ्ट करो, एक डायग्राम दूसरा बनाओ ऐसा बना दो, ये हो गया आपका शिफ्टिंग। शिफ्टिंग के बाद अब क्या निकालना आपको, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो बेसिकली ये कुछ हुआ, ये तो 6 न्यूटन था, ये कितना रहा अभी भी 60 डिग्री, सॉरी 8 न्यूटन रहा अभी भी, तो 60 डिग्री एंगल रहा, वो 60 था तो ये भी 60 है, इधर वाला भी, तो वो भी ध्यान रखो। आपको रिजल्टेंट निकालना है तो बेसिकली दो चीजें निकालनी है, कौन कौन सी, एक आर का मैग्नीट्यूड और एक अल्फा, अल्फा भी निकालना, रिजल्टेंट तब कंप्लीट होगा क्योंकि डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए, तो ये अल्फा भी बताना है। तो आर का जो मैग्नीट्यूड है आप सीधा देखोगे कि आपको थीटा पता है 60 डिग्री, ए पता है, ए का मोड पता है आपको 10, बी का मोड आपको पता है 8, तो तीनों वैल्यू जो पता है जो रिक्वायर्ड होती है, तो आप बोलोगे रूट ऑफ ए स्क्वायर 100, बी स्क्वायर 64 प्लस 160 आएगा ना, 2ab इंटू, हाँ वो फिर से पूरा नहीं करना है, रिजल्टेंट फिर से वही कर रहे हो क्या, स्प्लिट मतलब cos थीटा b cos थीटा b sin थीटा, उसमें नहीं जाना, वहीं वहीं से तो निकाला वो रिजल्ट। r का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, क्योंकि आपको क्या चाहिए था r का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, दोनों की लेंथ चाहिए और थीटा चाहिए, तो दोनों की लेंथ पता है 10 और 8, थीटा भी पता है,
60 डिग्री, तो आप पूरा प्रोसीजर अवॉइड कर दोगे, क्योंकि वो डेरिवेशन है ना, एक बार कर ली कि कैसे निकालते हैं फाइनल लेंथ, वो उसके लिए था। तो कोस यहां पे लिख दोगे 2ab cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितना आंसर आएगा आपका रूट 244। ये आएगा आर का मैग्नीट्यूड, जितना भी वैल्यू आए कितना आएगा अप्रोक्सीमेट। वैसे ये 15 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 16 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, उससे थोड़ा कम आएगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि देख भी लो उसके बीच में भी आना चाहिए, क्योंकि 10 और 6 मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है रेंज की 18, देख लो 10 और 8 है, मैक्सिमम कितना रिजल्टेंट दे सकता था 18, उससे कम ही आनी चाहिए, क्योंकि वो किसी एंगल पे भी लाई कर रहा है, मैक्सिमम तो तब देता जब 0 डिग्री होता। ठीक है, तो आपका आंसर इतना आएगा। आर का डायरेक्शन के लिए टेंजेंट अल्फा निकालो, टेंजेंट अल्फा के लिए ऊपर क्या आएगा 8 या 10, 8, क्योंकि जो साइड वाला बगल वाला नहीं लेना है न्यूमरेटर। ठीक है, तो आएगा 8 कॉस या साइन, ये थोड़ा ध्यान से करना है, 8 साइन 60 डिवाइड बाय में 10 प्लस 8 कॉस 60, ये जो भी आंसर आएगा इसको बस 10 अल्फा में ही छोड़ दो। टू रूट 3/7, तो अल्फा अगर आपको आंसर लिखना है कि आए अगर कि अल्फा कैसे लिखोगे, तो आप अल्फा को इस तरीके से लिख दोगे 10 इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, 10 यहाँ पे माइनस 1 लगा दोगे। ठीक है, इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे आप मैथ्स में, और फिर लिख दोगे 2√3/7, या इसको सोल्व करके कोई वैल्यू लिख सकते हो अंदर अगर और सिंप्लीफाई करना है तो अल्फा। ठीक है, दिस अल्फा विद ये लिख देना मेकिंग विद 10 न्यूटन वेक्टर, अल्फा को आर कैप नहीं, डायरेक्शन नहीं है, आर कैप मतलब फिर वो होता आई कैप जे कैप के फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्शन इसके टर्म में नहीं है, डायरेक्शन दो टर्म से दे सकते हो, या तो आर कैप के टर्म में, या फिर अल्फा एक ईस्ट वेस्ट के साथ कुछ पता हो, नॉर्थ साउथ के साथ कुछ पता हो, वैसा। हाँ, उसमें तो कुछ गिवन होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ, उस टाइम तो अल्फा बीटा में आ सकता है एंगल नंबर। आर कैप भी डायरेक्शन देता है, यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन देता है, वो तो तीनों के साथ दे देता है, जैसे इसमें हमने एक ही डायरेक्शन निकाली, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं तो कोस अल्फा जो होगा आर एक्स का कौन, आर कैप का आर एक्स वाला कंपोनेंट होगा, अगर मैं इसको इसको अगर मैं एक्स एक्सिस बोल दूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूं, तो ये कोस अल्फा क्या होगा, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा आर एक्स बाय आर मोड, निकाले थे ना कोस अल्फा की वैल्यू पर पिछले लेक्चर में, तो वो भी निकाल देते, बट मैंने यहाँ कोई दिया नहीं है, मैंने तो कोई जनरल डायरेक्शन लिया, ये एक्स और वाई नहीं है, कोई भी दो जनरल डायरेक्शन है, इधर 10 न्यूटन है, उधर 8 न्यूटन है, ठीक है, इसमें एक ही डायरेक्शन मैंने आपको ग्राफ में दी हुई है ना, बनाई हुई फिगर में जो 10 की दी हुई है ना, कि 10 के साथ ये जितना भी 10 का है उसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये जो आएगा एंगल अल्फा जो भी ये वैल्यू आ रहा है टेंजेंट इनवर्स, मान लो सपोज ये वैल्यू 34 डिग्री आ रहा है सपोज, तो ये बोल लोगे आप कि 10 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना रहा है 34 डिग्री। ठीक है, जो भी है इन केस में, तो एक एग्जांपल लेके कर रहा था, जरूरी नहीं है कि 34 ही आए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इफ इफ
कौन सा? हाँ वो भी हो सकता है, पैरेललोग्राम लो भी पढ़ाऊंगा, कुछ है नहीं, डिफरेंस नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन भी नहीं करनी है। देखो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू इफ मैग्नीट्यूड ऑफ नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ पहले आना था रिजल्टेंट लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू को काट दो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू is equal to is equal to the magnitude is equal to their magnitude then what should be angle between them। थोड़ा सा वैसे स्टेटमेंट ना थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि कोई बना रहा था ना खुद, इक्वल तो साथ में हो जाएगा। मैं पता क्या क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ, सुन लो फिर लिख लेंगे। कोलिनियर मैं पता मैं एक ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर एक वेक्टर है ये पी, एक और वेक्टर है पी, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं बट दे आर मेकिंग सम एंगल, और उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही आए, एंगल चेक करना पड़ेगा, रुको अभी क्वेश्चन समझ आया क्या बोलना। मुझे क्वेश्चन निकालना है कि दो वेक्टर है, जैसे एक दो पेन ले लो आप इक्वल, कि दो पेन का जो लेंथ है उनके रिजल्टेंट का लेंथ भी वही आए, सम करने के बाद जो नेट लेंथ आ रहा ना रिजल्टेंट का लेंथ वो उन्हीं वेक्टर के इक्वल आए, तो एंगल कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, निकालो क्वेश्चन लिख लो पहले अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ना थोड़ा सा वो स्टेटमेंट वो इक्वल वेक्टर्स लिख दिया ना आपने उसकी वजह से वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप तो जो इक्वल वेक्टर तो पैरेलल ही होते हैं, पैरेलल होते हैं तो एंगल क्यों निकालने को बोल रहा है, ठीक है सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है। लिख लो ये लिख लो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, ये क्वेश्चन बना लो आर इक्वल, देन व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन देम to have the resultant of same magnitude as theirs। नहीं चेक करो फिर, ये इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम टू हैव द रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज देयर, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही आ जाए, जो मैं अभी बता रहा था ना पी और पी से, कि एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है पी, पी वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी क्या है उसका मैग्नीट्यूड भी है पी बट डायरेक्शन अलग है, ठीक है, और उनके बीच एंगल थीटा 120, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हाँ
क्वेश्चन तो समझ आया क्या पूछा मैं? दो वेक्टर हैं, अलग अलग वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड बस सेम है, एक पी वेक्टर एक क्यू वेक्टर है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसा उनका रिजल्टेंट, उनके बीच क्या एंगल रखूं मैं तो रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का आ जाए। तो देखो आप ये सोचो, खुद ही सोचो कि जो पी वेक्टर, पी का मैग्नीट्यूड है वो क्यू के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। दो वेक्टर है, एक पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर है, आपको ये तो पता चल गया। आपको निकालना है थीटा, और आपको क्या पता गिवन है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के इक्वल है, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है आप ये सोचो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है जो पी का मैग्नीट्यूड है, क्यू वाले का भी कितना है, पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो आपके पास आएगा पी स्क्वायर इक्वल टू टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर इक्वल टू, देख लो यही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू टू पी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। यहां से क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू, तो थीटा कितना आएगा, तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो थीटा शुड बी 120 डिग्री। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिजल्ट बहुत बार डायरेक्टली यूज होता है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ तो थोड़ा डायरेक्टली समझ आ जाएगा आपको हुआ क्या। अगर मैं एक एक यहाँ लेंथ रखूं, मान लो थ्री यूनिट का है, अगर यहाँ पे भी थ्री यूनिट का एक लेंथ रख दूं जो कि 120 डिग्री एंगल बना रहा है पहले वाले के साथ, कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री, तो थर्ड लेंथ भी कितनी होगी, अगर ये लेंथ जो है ये पी मैग्नीट्यूड है, ये भी पी मैग्नीट्यूड है, तो इसका आर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, ये जो आर है ये भी पी मैग्नीट्यूड होगा, आर का आर वेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, बट एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 नहीं आएगा, कौन सा आएगा, उनकी डायरेक्शन ये वाली है, एक की डायरेक्शन इधर थी और एक की डायरेक्शन इधर थी, तो 180 माइनस 60 करना, ये आया सुने, इस वजह से आ जाएगा। ये नोट में ही लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट में ही लिख लो, कई बार डायरेक्टली पूछा भी गया एग्जाम में, बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। नीट वीट में तो डायरेक्टली पूछा, दो तीन बार पूछा जा चुका है डायरेक्टली क्वेश्चन, क्योंकि वहां ना एक क्वेश्चन के लिए लेस हार्डली 1 मिनट मिलता है, तो वहां टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ये काफी बार रिजल्ट डायरेक्टली पूछा गया है उस एग्जाम में, यही में थोड़ा टाइम लगा, मेंस में 2 मिनट तक मिल जाता है, 1.5-2 मिनट, एडवांस में 3-4 मिनट मिल जाते हैं क्वेश्चन के लिए, बट टफनेस फिर वैसे ही एग्रीगेट हो जाता है, इजी नहीं रहता चीजें। ये समझ आया, डायग्राम भी बना लो ये नीचे छोटा सा, ताकि याद रहे कि क्या हुआ है, ये 120 डिग्री है, एक तो इससे ज्योमेट्री से कर सकते थे, अगर आप दिमाग लगाते थे ज्योमेट्री से भी कर सकते थे, ज्योमेट्री से ही आ जाता कि तीनों, अगर जितने दो लेंथ है तीसरा लेंथ भी उतना ही होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले से ही माइंड में बना लो, तो डायरेक्शन बाद में देते हो, असाइन करते हो, वो भी आ जाता, और नहीं तो मैथमेटिकल मेथड तो ऊपर जो मैंने कराया ये भी हो सकता, ठीक है। ये मेथड अल्टरनेटिव मेथड है, टू आप उसको डायरेक्शन से भी कर सकते हो, थोड़ा आइडिया लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल हो रहे हो वेक्टर के साथ, कि कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है, वो सुनने में बस थोड़ा सा अटपटा लगता है इनिशियली, जब वेक्टर सुनते हो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, बस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हार्डली चीजों को ऐड सम करना मल्टीप्लाई करना ही सिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा देता हूँ, बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं करना है, सारा डेरिवेशन सेम है, आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या होगा। लिखो सेकेंड लॉ, लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम की स्पेलिंग, पैरेललोग्राम लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट लिख लो पहले, क्योंकि मैंने वहां लास्ट में स्टेटमेंट लगाया था ताकि समझ आने के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाओ उसको। इसमें पहले स्टेटमेंट लिख लो, क्योंकि कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स If two vectors can be represented by, adjacent sides of a parallelogram, drawn from same point, मतलब एक ही point से दो direction में जा रहे हैं, taken from same point या drawn from same point, then the diagonal of parallelogram, then diagonal from the parallelogram from the same point, क्योंकि दो डायगनल होते हैं ना फिर भी, फ्रॉम द सेम पॉइंट विल कंप्लीटली रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देख लो क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत ही आसान चलो है कि पहले तो कोई भी दो वेक्टर ले लो। पहला स्टेप होता है कि कोई भी रैंडम दो वेक्टर है, उनको क्या करना है, सबसे पहले एडजस्ट शिफ्ट करके इस तरीके से लेके आना है शिफ्टिंग के बाद, कि वो पैरेललोग्राम की दो साइड की तरह लगे, जो कि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है तो आपको एक पैरेललोग्राम भी दिख जाएगा बनता हुआ, बन दिख गया। और जो इसमें जो थर्ड साइड है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका डायगोनल टेकन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो अगर ये एक वेक्टर है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन फ्रॉम सेम कॉर्नर, then diagonal of the parallelogram taken from the same corner will completely represent their resultant, मतलब it will be a plus b vector, ये होगा resultant, a plus b vector ये होगा। हाँ सिंपल, अभी भी क्या चेंज किया आप, जब मैं बोल ही रहा हूँ कि parallel shifting allowed है तो ये यहाँ पे होता तो भी क्या फर्क पड़ता। हाँ अगर ट्रेंगल में आपने बोला ना पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, पैरेलल शिफ्टिंग है सेम ही हो जाएगा, कुछ थोड़ी ना चेंज होगा। आप ये देखो डेरिवेशन क्या चेंज होगी, ये साइड अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं, इस बार थीटा कौन सा होगा, जो इनकी डायरेक्शन के बीच थीटा यही होता है। देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, बी की डायरेक्शन है इस साइड, ए की डायरेक्शन है इस साइड, इनके बीच एंगल है ये, इस बार थीटा यही वाला है, हमेशा वही होता, वहां भी वही था, जब मैं उसको उधर कर दूंगा तो थीटा चेंज नहीं होगा। इस बार मैंने उनको टेल टू टेल जोड़ा, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग एडजेसेंट साइड्स जॉइनिंग टेल टू टेल, तो थीटा ही हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये लेंथ और ये अल्फा, ए के साथ एंगल बता दो, टोटल लेंथ बता दो, क्या करोगे, ये लेंथ कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, बी ये एंगल भी कितना होगा, cos थीटा, फिर से पूरा प्रोसीजर करोगे तो क्या आएगा, आर का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा करके दिखा लो अपने लिए, एक साइड में मैं नीचे इसको कर देता हूँ, फिर मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ। यहां पे अगर होगा ये तो आप बोलोगे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, तो ये भी कितना होगा बी मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसके फिर से कंपोनेंट लूं तो ये कितना आएगा बी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा बी साइन थीटा, ठीक है। यहां पे फिक्स लिख देता हूं, ये आएगा बी मैग्नीट्यूड, ये आएगा बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा ये वाली साइड। फिर से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे बनता हुआ, ये बड़े वाला, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर फिर से आप पूरा प्रोसीजर करोगे तो आप बोलोगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, आर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख के फिर आप मोड ही लिख दो डायरेक्टली। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। फिर से अगर अल्फा निकालना चाहोगे तो टेंजेंट अल्फा यहां से भी कितना आएगा बी कॉस थीटा प्लस ए प्लस बी, सॉरी बी साइन थीटा ऊपर आएगा। ये सब ध्यान रखा करो कि बी साइन थीटा परपेंडिकुलर साइड है ना ऊपर वाली, ये वाली प्लस नीचे आएगा बी कॉस थीटा, यहां से आ जाएगी। ये है उसका मैग्नीट्यूड और ये है उसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। बट वो ध्यान रखना कि वो रिजल्टेंट, अब आपको क्या पैरेलल शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है कि कहीं भी वेक्टर दिए आप उनको दोनों को टेल टू टेल जोड़ दो, जो भी बीच का डायगोनल है तो वो क्या बन जाएगा उनका रिजल्ट है वेक्टर का। इसके भी केसेस करोगे वही सेम, पैरेलल हुए तो दोनों एड, अपोजिट हुए तो दोनों सबट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट पे, मैक्सिमम रेंज मिनिमम रेंज, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ ना। आप क्या कर रहे हो पैरेलल शिफ्टिंग करके फिर से कान इधर से पकड़ना था उधर से पकड़ लिया, कुछ चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। एक दो क्वेश्चन दे देता हूं आप करके लेके आना इनको। एक बॉक्स है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर 8 न्यूटन का 30 डिग्री पे, एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है इधर 20 न्यूटन का। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉक्स। हाँ 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन है, नीचे 10 न्यूटन है, ऊपर 20 न्यूटन, और एक किसी एंगल पे लग रहा है। अब कर लोगे 20, पहले किस किस को ऐड करोगे 20 और 10 को, तो उसका एक अलग से डायग्राम बना लो। 20 10 को ऐड करने पे क्या आएगा अपसाइड 10 न्यूटन, और एक इधर फोर्स ये कितना है 8 न्यूटन, ये आएगा 10 न्यूटन, और ये किसके साथ 30 बना रहा है इधर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60। अब पैरेललोग्राम बनता दिख रहा है कि कैसा पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसा एक पैरेललोग्राम बनेगा। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये जो डायगोनल है। तो बेसिकली दो वेक्टर हैं, ए कितना है एक 10 है एक 8 है, और थीटा कितना है 60 डिग्री। रिजल्टेंट आ जाएगा, ए पता है बी पता है और एंगल भी पता है। इस तरीके से कर सकते हो, निकालो किस किस डायरेक्शन में निकाल सकते हो। डायरेक्शन किसके साथ निकालोगे, वर्टिकल के साथ निकालोगे या हॉरिजॉन्टल के साथ, बेटर है वर्टिकल के साथ निकाल लो, ऊपर जा रहा ना। 10 के साथ निकालोगे तो न्यूमरेटर में 8 लिखना, पहले 8 साइन थीटा प्लस 10 प्लस, थोड़ा सा ध्यान से करना ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, मैं यहां पे इसको रैप अप करता हूं अभी, तो समझ आया चीजें।
आसान से लो थे, बहुत आसान से, इनको पता नहीं क्यों समझ, मतलब बहुत ही सिंपल सा एडिशन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दो ट्रायंगल की साइड पता है, तीसरी साइड निकालते हैं, ये दो पैरेललोग्राम की साइड पता है, डायगोनल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, डायगोनल का एंगल भी फाइंड करना है, डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी है, वही क्या होता है नेट इफेक्ट होता है दो वेक्टर का। अब वेक्टर अगर ये वेलोसिटी हुए, ये दोनों अगर वेलोसिटी हुए 10 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर सेकंड पर सेकंड, तो नेट वेलोसिटी किधर है पार्टिकल का, जो वो डायगोनल बनेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हुए तो नेट एक्सेलरेशन किधर है, जिधर वो डायगोनल बनेगा, फोर्स हुए तो जिधर वो लगेगा फोर्स, इस तरीके से। तो वेक्टर को मैं इसलिए नोशन में आप एक बार उसको वो मत कंस्ट्रेंट मत करो कि यही यही होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।